फ्राइडे है आज, तो मम्मी लक्ष्मी जी की पूजा करती है फ्राइडे को, और वैसे ही नॉर्मल पूजा तो डेली होती है। और ये लक्ष्मी जी को मम्मी ने खीर बनाती है, मम्मी लक्ष्मी जी के लिए फ्राइडे को खीर बनाती हैं और चावल वगैरह चढ़ाती हैं। और हमारी पूजा हो जाती है, कितने बजे तक हो जाती है मम्मी? 4 बजे तक हो जाती है शाम वाली जो पूजा होती है। और अभी हमारे घर में एक पूजा और होगी, क्योंकि आज रात की दुआ में सदा सुखी रहे बाबा, आनंद रहे बेटा, बाबा के देने में कोई कमी नहीं पड़ेगी बेटा, जितना खोया जितना देव धन में चला गया बेटा, हाथ का दिया दान गंगा जी का। हेलो गाइज, आज मकर संक्रांति है, हमारे घर में तिल चटकाए जाते हैं और हमारे घर में पूजा होती है, और आज के दिन हमारे घर में खिचड़ी भी बनती है। चलो बनाते हैं, हैप्पी मकर संक्रांति। हमारा स्टार्ट हो गया है खाना बनना मकर संक्रांति का। अब ये मम्मी तिल चटका रही हैं, तिल चटक रहे हैं ना, चटकेंगे क्या ये, चट आवाज आएगी तो वो चटक गए बस, ब्राउन होएंगे। अच्छा, फिर इस गुड़ में मिलाए जाएंगे, शक्कर में मिला के इसको टाइट कर दिया जाएगा। कुछ भी बना सकते हैं ना इसका, मतलब कुछ लड्डू या कुछ ऐसे हाँ, भी खा सकते हैं, लड्डू बना लो सकते हैं। और ये खिचड़ी, ये खिचड़ी बन रही है यहाँ पे, खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी के हाथ में, तड़का लग रहा है अभी, इसमें तड़का नहीं लगा, अभी ये तिल चटकेंगे और मतलब चट बोलेंगे, उसी को बोलते चटकाना। तिल चटका के जब गरम गरम इसमें मिलाए जाते हैं, किस शक्कर में मिलाए जाते हैं, ये शक्कर भी गर्म होगा, ये गर्म होएंगे ना तिल, तो इसमें मिक्स कर देंगे ना तो टाइट कर देंगे, शक्कर ठंडा ही रहेगा तो जम जाएगी। देखो ये तिल चटकने स्टार्ट हो गए हैं, चट तिल चटक गए हैं, अब इसको शक्कर में मिला रहे हैं। जितने तिल होते हैं ना उतनी अच्छी लगती है ये। अच्छा, ये मेल्ट नहीं होगा शक्कर? नहीं होगा, वो कोई करा है नहीं, जैसे तिल गरम है ना, नहीं। ये ऐसी बच जाएगी जैसी मोटी मोटी गज्जे वगैरह, जम के ना टाइट हो जाएगी। आप इसको सेट कर रहे हो, अब इसी का लड्डू भी बन सकता है, वो भी बन सकता है जो हम मार्केट से लाए थे, ये इसी से बना हुआ था ना वो, लेकिन वो टाइट भी तो था, वो दूसरी तरीके से बनता है, ये वो लड्डू थे ना, वो उसमें अलग कुछ डालते हैं वो जब बनता है, पर ये भी खाने में ऐसे ही लगेगा हाँ। जैसे वो लग रहा था, ऐसे भी खा सकते हैं, इसे जमा के भी खा सकते हैं। और ये यहाँ पर खिचड़ी रेडी हो रही है, आज के दिन चावल का खाना बनता है क्या? आज के दिन खिचड़ी बनती है। क्या बना रहे हो, तड़का लगा रहे हो क्या? मम्मी लगा रही है तड़का खिचड़ी में, और ये बिंदी मम्मी ने लगाई है मेरे, जब मम्मी ने खुद लगाई थी तो मम्मी ने मुझे भी लगा दी। चलो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। मम्मी मैंने फेस वॉश कर लिया और मुझे अब और ज़्यादा जुकाम होने वाले, क्योंकि मैं ठंडे पानी से फेस वॉश करके आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये बन गई है खिचड़ी तड़के वाली, एक सेकेंड, देखने में टेस्टी लग रही है मुझे तो। पूजा करोगे क्या अभी? हो गई? नहीं हुई अभी, अभी खिचड़ी बन रही है। पूजा कैसे, मतलब कैसे होगी? भगवान को भोग लगाएंगे बस, ऐसे भोग लगाना है जैसे सुबह लगता है। चलो मम्मी अब भोग लगा रही है,
हूँ माजी बाबा को। माजी को तो शुगर था। तो खा सकते हैं गुड़ खा सकते हैं ऐसी बात ही। हम ना मटर छील के रख लेते हैं काफी सारी फ्रीजर में, और ऐसी पकी भी मटर नहीं कच्ची मटर रखी जाती है, वो गर्मियों में भी हमारे काफी टाइम तक काम आती है। फ्रीजर में रख दो ना, सब्जी में बंद करके तो अच्छी रहती है मटर, इसीलिए मैं लाती रहती हूँ मटर छील छील के फ्रीजर में रखती रहती हूँ। वेरी गुड। और हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है हम उन्हें भी दे देते हैं, इतनी मटर छील लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मुझको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।